क्लास आज हम बेटा पढ़ रहे हैं लेसन 10 भीम और दुर्योधन पार्ट 10। सबसे पहले हम इस पार्ट की वर्णनी करेंगे। पार्ट 10 भीम और दुर्योधन। ठीक है, भीम और दुर्योधन। इस पाठ के सबसे पहले हम कर रहे हैं शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। लाइन के अदल बदल वर्ड नहीं लिखा गया, दो दो नहीं। ठीक है, दुष्ट, दुष्ट माने होता है बुरा, दुष्ट बुरा। शक्तिशाली शक्तिशाली, ताकतवर। शुभ
या फिर होशियार, वो वर्ड है फौलादी, फौलादी मतलब लोहे जैसा, लोहे जैसा मजबूत, हंसी खेल ना होना, हंसी खेल ना होना मतलब आसान काम ना होना, आसान काम ना होना। अच्छी खबर लेना, अच्छी खबर लेना मतलब खूब दंड देना। अब कुछ वर्ड में और बचे हैं, फिराक में रहना, अब हम इधर लिख दे रहे हैं, फिराक में रहना, फिराक में रहना मतलब मौके की तलाश में रहना, मौके की तलाश में रहना, ठिकाने लगाना, ठिकाने लगाना मतलब मार डालना, मार डालना। ठीक, गुप्त, गुप्त मतलब होता है छिपी हुई। स्नान, स्नान नहाना। भोजन भट्ट, भोजन भट्ट मतलब अधिक भोजन करने वाला, अधिक भोजन भोजन करने वाला। संभावना, संभावना मतलब उम्मीद। विषैला, विषैला मतलब जहरीला। ठीक, कड़वा एक अलग होगा। प्रभाव, प्रभाव मतलब असर किसी चीज का। ये तो पूरा टाइम वर्ड मीनिंग ही चला गया। हाँ तो बच्चों, आज आपने देखा कि हमने भीम और दुर्योधन, इस पाठ का हम सारांश देख रहे हैं। भीम और दुर्योधन पांडव के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे जिन्हें कौरव कहा जाता है और पांडव के पुत्र पांडव कहलाए। पांडव और दुर्योधन से दुर्योधन हमेशा पांडव से बैर रखता था और उन्हें किसी भी किसी तरीके से परेशान करने का सोचता रहता था। दोनों एक साथ खेलते थे पर पांडवों में भीम बहुत शक्तिशाली था, उसमें 100 हाथियों का बल था और वो खेल खेल में दुर्योधन को बहुत परेशान किया करता था। एक बार दुर्योधन ने उसकी खीर में विष मिला दिया और उसको तालाब में फेंक दिया, पर ऐसा करना भी उसके लिए सही नहीं था। वहाँ से भी वो बच करके वापस आ गया। दुर्योधन और उसके भाई अपनी योजना पूरी न होने पर फूले न समाए। वे बहुत चालाक थे और बहुत खुश भी थे, पर भीम जो था वो वापस से बच करके आ गया। भीम तो बहुत ही देर पहले हस्तिनापुर लौट आया था। पांडव और दुर्योधन की दुष्टता को जानते हुए इस घटना को गुप्त रखा गया था जिससे बच्चों में आपस में कोई भेदभाव ना हो।
भीम ने बाद में बड़े होकर शक्तिशाली बकासुर को मौत के घाट उतारा। महाभारत युद्ध में भीम ने अनोखी वीरता प्रदर्शित की थी और अंत में उसने दुर्योधन का वध भी किया था। शक्तिशाली होते हुए वह अपनों से बड़ों के प्रति सदा आदर का भाव रखता था, कभी किसी के साथ छल नहीं करता था जिस प्रकार से दुर्योधन ने किया। और अंत क्या हुआ, दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया। दुष्टों का विनाश करने के लिए बल का प्रयोग करता था, हमें ऐसे महान वीरों पर गर्व करना चाहिए। भीम ने कभी भी अपने बल का प्रयोग गलत कार्यों के लिए नहीं किया। बच्चों आप इस पाठ के आज वर्ड मीनिंग लिखेंगे। धन्यवाद।